हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई रेसिपी। तो आज मैं कोई रेसिपी बनाने बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी कि सिंगारा कैसे भरते हैं या समोसा। तो समोसा भरने के लिए यहाँ देखिए, मैदा को लोई ले लिए थे और मैदा को अच्छे से बेल लिए थे। मैदा अच्छे से बेल लिए हैं एक रोटी का छोटा साइज, और बीच में से इसको कट लगाना है। तो यहाँ देखिए कट लगा दिए हैं। तो एक पार्ट को साइड में कर देती हूँ और दूसरे पार्ट को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप के करना है, और यहाँ से देखिए ऐसे करना है, सिंगारा का शेप देना है। तो पहले क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक टाइप से फोल्ड किए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। इससे क्या है, दूसरे साइड का जो हमारे मैदा का ये है वो इसमें चिपक जाएंगे। तो आपको दिखा देते हैं, ये देखिए बराबर शेप देना है और यहाँ से इस टाइप से कर देना है। तो आपको देखिए कितना आसान है सिंगारा भरना, कोई सेप नहीं बैठता है किसी का। तो बोलते हैं कि मेरा सेप नहीं बैठता है सिंगारा का, तो मैं आपको ये स्टेप बता रही हूँ। और इसमें देखिए मैं मसाला डाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये किनारे किनारे में पानी लगा दूँगी। तो ये देखिए मैं पानी लगा दे रही हूँ, तो पानी अच्छे से लगा दीजिएगा चारों तरफ। अब क्या करना है, ये देखिए बीच से पकड़ना है यहाँ से, और ये दोनों साइड से धक्के इसमें चिपकाना है। तो ये देखिए अच्छा से इसको चिपका दीजिएगा, नहीं तो तेल में फ्राई करते समय ये खुल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको चिपकाना है। तो ये देखिए मेरा सिंगारा का शेप, और मैं आपको दिखा देती हूँ ये नीचे रख के, और इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे करना है और इसको धके इस टाइप से कर देना है। इससे क्या है, जो हमारे ये अच्छे से चिपक जाएंगे। तो आप देखिए ये सिंगारा का जो मेरा शेप है वो कितना अच्छा बैठ गए हैं, तो आपको देख के पता चल ही रहा है। और दूसरे वाला भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। तो इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको ढक चुकाना है। तो यहाँ पर मैं पानी लगा दे रही हूँ, इसको पानी लगा के, और ये दूसरे वाला जो पार्ट है तो इसको अच्छे से यहाँ ढके और इस पर चिपका देना है। और यहाँ पर हाथों का प्रेशर दे के और इसको चिपकाना है। अब ये चारों तरफ से यहाँ पर पानी लगा देंगी। पानी लगा के यहाँ पर अच्छे से पानी लगाइएगा, नहीं तो ये जो आपके मैदे हैं वो चिपकेंगे नहीं। और अब यहाँ पर क्या करना है, हाथों का धके और यहाँ से चिपका देना है। तो ये देखिए मैं आपको इतना चिपका दी हूँ, और फिर इसको चौकी पर रख के और चकले पर, और इसको अपने हाथों से इस टाइप से करना है जो मेरा ये तेल में ना, और थोड़ा सा इस टाइप से आप दबा दीजिएगा। इससे अच्छे से एक शेप बैठ जाते हैं सिंगारे का। तो ये देखिए मैं आपको प्लेट करके दिखा देती हूँ मेरा सिंगारा। मैं अभी चार पांच ठो भर ली हूँ सिंगारे को, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप के भरी हूँ। तो ये लीजिए कितना आसान है सिंगारा भरना, आपको समोसा भरना कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा, और यहाँ पर देखिए चलिए इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आगे से ऑयल बैठा दी थी गर्म करने के लिए। तो मैं फ्राई करने के लिए बेसी भागी लोहे का कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरा ऑयल अच्छे से हीट कर रहे हैं, तो इसमें डाल देती हूँ मेरा समोसा। पहले तीन पीस डाली हूँ। गैस को मीडियम रखिएगा, हाई मत करिएगा, नहीं तो जो आपके मैदे हैं ऊपर से जल जाएंगे और नीचे से पकेंगे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, इसको पलट देती हूँ नीचे से हो गए हैं तो सारे सिंगारे को, और ये मैं नीचे से भी इसको अच्छे से पकाऊंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा सिंगारा बनके रेडी है, और देखिए कितना अच्छा सिंगारा बना है, और इसका शेप भी देखिए कितना अच्छा बैठा है। और बड़े बच्चों सबको पसंद पड़ता है। और मेरी रेसिपी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।